माननीय वृद्धिचंद जी, माननीय इंद्रमल जी उपस्थित, सुप्रतिष्ठित प्रबुद्ध नागरिक बंधुगण और माताएं, मेरे लिए यह आनंद की और सौभाग्य की बात है कि यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ मिलने का मौका मिल रहा, आप सबका इकट्ठा यहाँ दर्शन हो रहा। हमारे क्षेत्र तो किसान मजदूर है, इसके कारण बहुत ज़्यादा प्रबुद्ध लोगों से हमारा पाला नहीं पड़ता, किंतु आज आप सब लोग इस जन चेतना मंच के तत्वावधान में हम यहाँ इकट्ठा आ गए और हमें दर्शन दिया, इसलिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ। विषय आपने सुना है, यह विषय आपके ख्याल में आया होगा, राष्ट्रनैतिक है, राजनीतिक नहीं है। राष्ट्रनीति और राजनीति दो अलग अलग बातें हैं, यद्यपि राष्ट्रनीति के बड़े सर्कल में एक छोटा सर्कल राजनीति का है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। आजकल लोगों को बहुत लगता है उसका एक गलत फहमी है, किंतु राष्ट्रनीति एक बड़ा सर्कल है, उसमें का एक छोटा सर्कल उसी के अंतर्गत राजनीति का है। आज का जो प्रश्न है वह राष्ट्रनैतिक है और सभी के मन में यह प्रश्न है कि आज की हमारी जो दुर्दशा है, इस दुर्दशा का कारण क्या है। हमारा राष्ट्रीय प्रवास 15 अगस्त 1947 को शुरू हुआ, लगभग उसी समय 2-4 साल के अंतर से जर्मनी, जापान, इज़राइल, इनका भी राष्ट्रीय प्रवास शुरू हुआ। दूसरे महायुद्ध में जर्मनी, जापान उध्वस्त हो गए थे, इज़राइल तो एकदम नया राष्ट्र निर्माण हुआ था, किंतु उन्होंने इतनी प्रगति की है, उनके तुलना में हमारे पास साधन स्रोत ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, टैलेंट्स गुणवत्ता हमारे पास ज़्यादा है, यह सारे होते हुए हम क्यों पिछड़ गए, यह प्रश्न सभी के मन में है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी बीमारी यदि दुरुस्त करनी हो तो सबसे पहले बीमारी का निदान होना चाहिए, डायग्नोसिस। कहा गया है कि डायग्नोसिस इज हाफ द क्योर, ठीक निदान होता है तो बीमारी दुरुस्त हो सकती है। अब ठीक निदान के दृष्टि से कई बातें हमारे सामने आती हैं। आज हम कहते हैं कि ये गड़बड़ हो रही है, वो गड़बड़ हो रही है, वो गड़बड़ हो रही, किंतु जैसे मैंने कहा कि ये सही निदान जब तक हमारे पास नहीं है तब तक इसमें से रास्ता क्या है, इसका उपाय इलाज क्या है, ये हम समझ नहीं सकेंगे। प्रमुख कारण यह दिखता है कि हम अपने अस्मिता, आइडेंटिटी, अपना स्वत्व भूल गए। 1834 से मैकॉले कमिटी ने जो शिक्षा प्रणाली निर्माण की, जिसका उद्देश्य यह था कि भारतीय व्यक्ति ऊपर से दिखने में तो काला हो किंतु उसका मन ब्रिटिशर के जैसा हो जाए, अंदर से अंग्रेज ऊपर से भारतीय, ऐसे भारतीय निर्माण करना। और उन्होंने यहाँ से अपने पिताजी को जो पत्र लिखा उसमें कहा भी कि इतने थोड़े समय में मैं इनको अभारतीय बनाने में इतना सफल हो जाऊँगा ऐसा मुझे लगता नहीं था, लेकिन मैं सफल हो रहा हूँ, ऐसा उन्होंने पिताजी को पत्र में लिखा था। और इसके कारण एक हीनता का भाव, इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि हमारे पास कुछ नहीं, नई शिक्षा प्रणाली, नई नई थियोरीज बनाई, बिल्कुल झूठ थियोरी हमें गुमराह करने के लिए, आर्यन इन्वेजन वगैरह कई थियोरीज बनाई हमें गुमराह करने के लिए, और इसके कारण हमारे अंदर एक हीनता का भाव, जो जो हमारा है वह सब खराब है, जो जो पश्चिमी लोगों का है वह सब अच्छा है,
इस तरह की धारणा हो गई और हम लोगों ने पश्चिम का अंधा अनुकरण करना शुरू किया। अनुकरण करने में आपत्ति नहीं, हमारे यहाँ कहा गया बालादपि सुभाषितम ग्राह्यम, कि छोटे बच्चे ने भी कोई अच्छी बात कही हो उसको ग्रहण करना चाहिए। विदेशियों की कोई भी अच्छी बात ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं, किंतु हमने लॉक स्टॉक एंड बैरल जिसको बोलते हैं कि सभी का सभी, उन्होंने जो हमको सिखाया वो हमने सीख लिया। अंध इनडिस्क्रिमिनेट अविवेकपूर्ण ऐसा हमने अनुकरण किया। ये कितना अविवेकपूर्ण था ये एकदम ध्यान में नहीं आता। ऐसे भी लोग जो अपने अस्मिता के बारे में पर्टिकुलर है वो भी पूरा नहीं जानते कि हमारा यह अंधानुकरण कितनी सीमा तक गया। मोटी बातें तो हम जान सकते कि भाई सांस्कृतिक आक्रमण हो रहा, टीवी है, बाकी उधर से आने वाले कलाकार है, इसके कारण वहाँ होती है वैसे सौंदर्य स्पर्धा यहाँ होती है। हम समझ रहे हैं कि यह अंधानुकरण हम उनका कर रहे हैं तो सांस्कृतिक आक्रमण का हमें पता चलता है। वैसे भाषा के दृष्टि से भी गैर हिंदी प्रदेशों में हिंदी के विषय में अश्रद्धा निर्माण करना, अंग्रेजी के बारे में प्रेम निर्माण करना बहुत पहले से चल रहा था, वो अंधानुकरण का एक प्रकार है हम लोग समझ रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र में अब लोगों को जानकारी हो रही है कि विदेशी आर्थिक साम्राज्य यहाँ निर्माण हो, यह प्रयास बहुत पहले से चल रहा था। जो विदेशी पूंजी है और विकसित देशों की सरकारें हैं, इनकी जो साठगांठ है, द नेक्सस बिटवीन द गवर्नमेंट्स ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज एंड देयर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो ये संपूर्ण विश्व में अपना आर्थिक साम्राज्य फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और विश्व व्यापार संगठन WTO उनके माध्यम के रूप में काम कर रहा, ये भी बात अब धीरे धीरे लोगों के ख्याल में आ रही है। किंतु इतनी ही बात नहीं है, ये अनुकरण इतना हमारे रक्त में गया है कि हर चीज़ में अपने को पता न चलते हुए भी हम उनका अनुकरण कर रहे हैं, पता न चलते हुए भी। अब एक एक बात का हम यदि उदाहरण ले, ऐसे कई पहलू है इस प्रश्न के, थोड़े पहलू जो ध्यान में आ सकते हैं वो केवल मैं लेता हूँ। ऐसा हुआ कि 47 तक तो हम लोग परतंत्र थे, उसके बाद अपना भाग्य अपनी किस्मत हम अपने हाथ से बना सकते हैं ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई। फिर हमने अपने देश का संविधान बनाया। संविधान सभा की जो चर्चाएं हैं बहुत मनोरंजक है, इंस्ट्रक्टिव इंटरेस्टिंग ऐसी है। संविधान जो बना वह अपने भूमि की उपज नहीं था, नॉट द प्रोडक्ट ऑफ द सॉइल। उसका 70% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का था, बाकी जो है उसमें से ज़्यादातर अनुकरण अंग्रेज सिस्टम का था, थोड़ा बहुत अन्य देशों का भी उसमें था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चेयरमैन थे, 7 सदस्य थे, उसमें से 6 सदस्य किसी न किसी कारण निष्क्रिय रहे, अकेले अम्बेडकर जी ने ही ये किया और बहुत बड़ा प्रयास किया, इसमें कोई शक नहीं है। किंतु अम्बेडकर जी ने यह कहा कि जो मैंने ड्राफ्ट किया है वो मेरा है ऐसा मत समझिए, मेरा है यानी ड्राफ्ट मैंने किया है लेकिन मेरे इच्छा के अनुकूल है ऐसा मत समझिए। जब जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा करते हैं तो राजनीतिक मोटिवेशन के कारण लोग कहते हैं कि ये डॉक्टर अंबेडकर जी पर टीका कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने स्पष्ट कहा कि मैं ड्राफ्ट करने वाला हूँ लेकिन ये मेरे इच्छा के अनुसार हुआ ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कई थॉट करंट्स थे, विचार प्रवाह थे, सभी विचार प्रवाहों को एकोमोडेट करना पड़ता था, कई बातें मेरी इच्छा के खिलाफ भी थी वो सारा एकोमोडेट करना पड़ा। और कॉन्स्टिट्यूशन बन रही थी उस समय भी
सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वयं डॉक्टर आम्बेडकर, सब लोगों ने यह सदोष है, किसी ने कोई दोष दिखाया, किसी ने कोई दोष दिखाया, ये कहा। और अंत में डॉक्टर आम्बेडकर ने यहाँ तक कहा कि भाई ये सारा मेरी इच्छा के अनुसार नहीं है और ये कभी भी टूट सकती है सारी व्यवस्था। और मुझे यदि ऐसा लगता है कि जिन उद्देश्यों को लेकर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई उन उद्देश्यों की पूर्ति इसके द्वारा नहीं हो सकती, तो पब्लिक मीटिंग्स में डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को मैं अपने हाथ से जलाऊंगा, पब्लिकली जलाऊंगा। माने मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी है, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राइट्स आर प्रोटेक्टेड, जो विभिन्न अल्पसंख्यक हो बहुसंख्यक हो, जो विभिन्न लोगों के अधिकारों की रक्षा होती है, वह केवल कानून और संविधान के भरोसे नहीं हो सकती। डॉक्टर आम्बेडकर जी ने कहा कि कानून और संविधान के भरोसे अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती। कम्युनिटी, समाज की मानसिकता जब तक तैयार नहीं होती, तब तक इस तरह का संरक्षण अधिकारों का संभव नहीं है। यहाँ तक उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन यदि फेल होती है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं उनकी योग्यता ठीक न होने के कारण वह कॉन्स्टिट्यूशन फेल हुई है, ऐसा हर केस में मानना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि यह एक कॉन्स्टिट्यूशन बनी और इसमें हमने पश्चिम का अनुकरण किया। आज हम कुछ घटनाएं देख रहे हैं और फिर आज चर्चा भी होती है कि अरे भाई बड़ी गड़बड़ हो रही है राजनीति में, क्या हो रहा है, बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, दल बदल हो रहा है, ये है वो है। किंतु जो दृष्टा रहते हैं, दूर का देखने वाले, उनको पहले ही अंदाजा आता है कि किस दिशा में मामला जा रहा। इस दृष्टि से ऐसे ही एक दृष्टा ने बहुत पहले जो कहा था वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। केवल मुँह जवानी बताने से इतना स्पष्ट नहीं होता, पढ़ के बताता हूँ। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, सब जानते हैं कि ये बड़े दूरदर्शी विचारक थे। उन्होंने 24 जनवरी 1922 को, कितनी पुरानी बात है देखिए, उस समय वो जेल में थे, 24 जनवरी 1922 माने 55 साल हो गए, उस समय अपनी प्रिजन डायरी लिखी थी। डायरी में जो उन्होंने लिखा मैं उद्धृत करता हूँ। इसका कारण है कि वहाँ पब्लिक एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। जिस देश में पब्लिक एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, निरक्षरता अशिक्षितता ज़्यादा है, वहाँ ये ब्रिटिश सिस्टम सफल नहीं हो सकती। और इसलिए उन्होंने ये कहा कि यदि हम ब्रिटिश सिस्टम यहाँ लाना चाहते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो उसका प्री रिक्विजिट यह होगा कि हमने 100% पब्लिक एजुकेशन करना चाहिए। ऐसा यदि हुआ तो उन्होंने कहा कि द स्टेट एंड द सोसाइटी विल बी को एक्सटेंसिव, क्योंकि आखिर हम जो कहते हैं कि लोकतंत्र में सबको और शासन में पार्टिसिपेट, सहभाग करने का अधिकार होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि जो शासन के निर्णय होते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द स्टेट, उसमें हर एक का हाथ होना चाहिए। और यह तब तक नहीं हो सकता जब तक 100% पब्लिक एजुकेशन ने, ऐसा उन्होंने कहा। एम एन रॉय की एक विशेषता थी कि उनका ग्रुप बहुत बड़ा नहीं था, मास लीडर नहीं थे, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल्स लीडर थे। जस्टिस चंद्रचूड़ है, लक्ष्मण शास्त्री जोशी, ऐसे बड़े बड़े विद्वान उनके शिष्य थे। उनका एक अभ्यास वर्ग हुआ, उसमें एक ने उनको कहा कि राय साहब, आपने कहा है कि पब्लिक एजुकेशन जब तक पूरा नहीं होता तब तक हमारे यहाँ ये सिस्टम काम नहीं करेगी, लेकिन हमारा इतना लंबा चौड़ा देश है, करोड़ों हमारी जनसंख्या है और निरक्षरता इतनी भीषण है, तो सब लोगों को एजुकेट करने में तो बहुत लंबा समय लगेगा, इट वुड बी ए लॉन्ग वे, ऐसा कहा। तो इन्होंने हंसकर जवाब दिया कि इट मे बी ए लॉन्ग वे, बट इफ इट बी दी ओनली वे देन इट इज ऑल्सो दी शॉर्टेस्ट वन। ये एम एन रॉय का जवाब बहुत ध्यान में रखने लायक है कि सबको एजुकेट करने की आवश्यकता है, ये ठीक है। अब ये लॉन्ग वे जो आप बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि इट मे बी ए लॉन्ग वे,
But if it be the only way, then it is also the shortest one. जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रही थी उस समय हाउस में, हाउस के बाहर भी तरह तरह के नोट्स ऑफ डिसेंट, असहमति प्रकट करने वाले विचार आए थे। खासकर यह फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए ऐसी चारों ओर से आवाज़ थी, वो नहीं होनी चाहिए ऐसा कई लोगों ने कहा, जिसमें हमारे परम पूजनीय गुरुजी थे, विनोबा जी थे, जयप्रकाश जी थे, और अम्बेडकर जी ने भी कहा कि मैंने इसका नाम इंडियन यूनियन यह जानबूझ कर रखा है, फेडरेशन ऑफ इंडिया ऐसा नहीं रखा। फेडरेशन का मतलब होता है कि हर स्टेट एक अलग इकाई है, उसका मिलकर फेडरेशन। तो ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग आगे न हो, इस दृष्टि से इंडियन यूनियन ने नाम रखा, जिसका मतलब होता है कि संपूर्ण देश एक यूनिट है, अलग अलग स्टेट्स उसके अंग मात्र हैं। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इसका एक्सप्लेनेशन दिया। और उस समय अपने परम पूजनीय गुरु जी ने कुछ सुझाव भी दिए थे। एक सुझाव उन्होंने यह दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन है, माने एक चित्तौड़ है, एक 16 लाख की बस्ती है, तो भाई पार्लियामेंट के 2, असेंबली के 8, ऐसे कुछ सदस्य चुनकर जाना चाहिए, टेरिटरी पर आधारित, जनसंख्या पर आधारित। तो उन्होंने कहा कि अपनी जो भारतीय पद्धति है, भारतीय पद्धति में फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन है, तो टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन को रिप्लेस करने की तो बात नहीं, लेकिन सप्लीमेंट करने की दृष्टि से पार्लियामेंट में और असेंबली में टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, यह एक सुझाव दिया। और दूसरा सुझाव दिया कि लोएस्ट इकाई जो होगी उसके चुनाव यूनैनिमस से ही होने चाहिए। बहुत रिवोल्यूशनरी बात थी कि लोएस्ट इकाई जो है उसके चुनाव यूनैनिमस होने चाहिए। मुझे स्मरण होता है कि उस समय मैं पार्लियामेंट में था और पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में प्रायः मैं कम्युनिस्टों के साथ ही बैठता था, क्योंकि केरला और बंगाल मेरे होम स्टेट के जैसे है, वो भी केरला और बंगाल के, इसके कारण हमारी बहुत मित्रता, और मित्रता में कभी हम एक दूसरे की प्रशंसा करते थे, कभी एक दूसरे को चिढ़ाते थे, तो हम सेंट्रल हॉल में बैठते थे। नवंबर 1972 में थाना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अध्ययन वर्ग हुआ, उसमें मैं गया था। जाते समय हमने उनको बोला था, अभी कहाँ जा रहे हैं, हमने कहा गुरुजी का भाषण वगैरह है। वापस आने के बाद पूछा कि तुम्हारे गुरुजी ने क्या बताया, तो मैंने ये दोनों बातें बताई। तो पहली फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन पर तो उन्होंने रिएक्शन नहीं दी, लेकिन एक ये जो यूनैनिमस इलेक्शन एट द लोएस्ट लेवल, ये जो कहा, तो जानबूझकर उसमें से एक हमारी जो रिलेशनशिप थी कम्युनिस्टों से, वो लव हेट रिलेशनशिप थी, लव भी था हेट भी था, एक में एक दूसरे की प्रशंसा भी करते थे, एक दूसरे को गाली भी देते थे, ऐसा था। तो जैसे हमने कहा तो उन्होंने कहा कि नॉनसेंस। तो हमने चिढ़ने का तो कोई सवाल नहीं था, क्योंकि जानबूझकर वो बोल रहे मैं जानता था। मैंने कहा कि भाई साहब आप ये इसको नॉनसेंसिकल कह रहे हैं, यूनैनिमस इलेक्शन एट द लोएस्ट लेवल, इसको यदि आप नॉनसेंसिकल कह रहे हैं तो नॉनसेंसिकल ही होगा, आप तो विद्वान हैं। लेकिन आपकी परमिशन होगी तो मैं एक थोड़ी सी घटना 2 मिनट में बताना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या? हमने घटना बताई कि मोहम्मद साहब को जो इलेहाम हुआ रिविलेशन, उस समय उनकी उम्र 40 साल की थी। उसके बाद उन्होंने इस्लाम का प्रचार शुरू किया और उनके बुढ़ापे में अरेबिया के कोने कोने में इस्लाम फैल गया। जब वो काफ़ी वृद्ध हुए थे तो उस समय अरेबिया के दूर के एक गांव से उनके कुछ फॉलोअर्स डेपुटेशन लेकर आए, कहा कि साहब हमारे गांव में चलिए। क्यों? बोले अपने ही मुसलमान लोगों में विवाद खड़ा हुआ है, 2 धड़े हुए हैं, तो फैसला करने के लिए आपकी आवश्यकता है। मोहम्मद साहब ने कहा भाई मैं नहीं आ सकता। कारण बोले ऐसा है कि इस्लाम पूरे अरेबिया में फैला है, जहाँ जहाँ 2 सज्जन इकट्ठा आते हैं बुद्धिमान लोग, वहाँ विवाद खड़ा होगा ही, यातायात के साधन कम है, मेरी वृद्धावस्था है,
जहाँ जहाँ विवाद खड़ा होता है सुलझाने के लिए मैं जाऊँ ऐसा यदि सोचा तो संभव नहीं, फिजिकली इम्पॉसिबल, इसलिए मैं नहीं आऊँगा। तो उन्होंने कहा भी आप नहीं आएंगे तो फिर फैसला होगा कैसे? बोलो ये मैं बताता हूँ कि आप सब गांव वाले एकत्रित आ जाइए, सब मिलकर एक मत से यूनैनिमसली अमीर का चुनाव कीजिए, अमीर यानी लीडर, एक मत से अमीर का चुनाव कीजिए और अमीर का जो फैसला होगा वो मेरा फैसला है, ऐसा मैं आपको आज ही बताता हूँ। उन्होंने कहा साहब यही तो गड़बड़ है, जब दो धड़े हैं तो एक मत से चुनाव कैसा होगा? तो आप कम से कम हमें क्वालिफिकेशन बताइए, किसको चुनना, क्या क्वालिफिकेशन। तो उस समय मोहम्मद साहब ने कहा कि भाई पहला क्वालिफिकेशन ये है कि जो अमीर बनना ही नहीं चाहता उसी को बनाना है, और जो अमीर बनना चाहता है वो कितना भी क्वालिफाइड रहे उसको नहीं बनाना है। जो अमीर बनना चाहता है, जो लीडर बनना चाहता है, कितना भी क्वालिफाइड रहे, जो लीडर बनना चाहता है उसको लीडर नहीं बनाना, जो लीडर बनना ही नहीं चाहता उसी को बनाना। तो मैंने कहा भी ऐसा कुछ मोहम्मद साहब ने कहा था, उन्होंने सुन लिया, कहा देर इज सम ग्रेन ऑफ ट्रूथ इन इट। तो मैंने मन में कहा कि मोहम्मद साहब कहते हैं तो उसमें ग्रेन ऑफ ट्रूथ आ जाता है, एंड मिस्टर MS गुलवलकर कहते हैं तो वो नॉनसेंसिकल हो जाता है, लेकिन कम्युनिस्टों के ये डबल स्टैंडर्ड सबको पता है। तो इस तरह से दो मौलिक सुझाव परम पूजनीय गुरुजी ने दिए थे, फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन, यूनैनिमस इलेक्शन एट द लोएस्ट लेवल। अगर आप कल्पना कीजिए कि लोएस्ट लेवल का चुनाव यदि यूनैनिमस से ही हो, यूनैनिमस नहीं होगा तो चुनाव होगा ही नहीं, ऐसा यदि हमने निश्चित रूप से किया, साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मानसिक परिवर्तन कितना होगा आज आप कल्पना नहीं कर सकते। आज हम 1947 से इतने 50 साल तक ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी डेमोक्रेसी के इतने आदि हो गए, हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि ऐसी कुछ व्यवस्था हो सकती है। हो सकती है, सख्ती से की तो हो सकती है, उसके कारण मानसिक परिवर्तन बहुत बड़ा हो सकता है। उसके बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आचार्य विनोबा भावे, इन्होंने पार्टीलेस डेमोक्रेसी वगैरह की भी बात की। कहने का मतलब यह है कि तरह तरह के सुझाव पहले से आ रहे, और आज के यह जो सिस्टम है यह सिस्टम अपने देश के लिए अनुकूल नहीं रहेगी, यह पहले से कहा गया है। अब इस सिस्टम में जैसे मैंने कहा कि यूनैनिमस इलेक्शन लोग कल्पना नहीं कर सकते, और मेजॉरिटी माइनॉरिटी के बगैर डेमोक्रेसी कैसी चलेगी यह भी सोचा जाता है। मुझे स्मरण है कि आचार्य विनोबाजी भावे ने जब कहा था कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी डेमोक्रेसी ठीक नहीं, इसका मतलब होता है कि 50% विल रूल ओवर 49.9 रेकरिंग परसेंट, एक तरफ 50%, एक तरफ 49.9 रेकरिंग, इनके ऊपर वो शासन करेंगे। तो सब लोगों ने खिल्ली उड़ाई थी। अब आश्चर्य है कि जो पॉलिटिक्स में है वो पॉलिटिक्स बहुत कम जानते हैं, उनको ये पता नहीं कि विनोबा जी ने तो 50% और 49.9 रेकरिंग परसेंट कहा। दुनिया के इतिहास में पश्चिम के ऐसे उदाहरण हैं कि मोमेंटस डिसीजंस वेर टेकन बाय जस्ट वन एक्स्ट्रा वोट, केवल एक एक्स्ट्रा वोट के कारण बड़े बड़े डिसीजन हो गए। उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, चार्ल्स द फर्स्ट, इसको अरेस्ट किया गया, जेल में रखा गया और चर्चा शुरू हुई कि अत्याचारी रहा है, इसको फांसी देना चाहिए, किंतु पब्लिक में दोनों राय थी। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं इसको फांसी देना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा जेल में रखे बेचारे को फांसी क्यों देते हो, पार्लियामेंट के सामने यह सवाल है। हाउस वॉज इक्वली डिवाइडेड, इक्वली, और जस्ट वन एक्स्ट्रा वोट चार्ल्स के खिलाफ गया और उसको फांसी की सजा हुई, वन एक्स्ट्रा वोट। ऑलिवर क्रॉमवेल जिस समय डिक्टेटर बना, हाउस वॉज इक्वली डिवाइडेड, जस्ट वन एक्स्ट्रा वोट ब्रॉट हिम इन पावर एंड ही बिकेम डिक्टेटर, केवल एक एक्स्ट्रा वोट, इतना मोमेंटस डिसीजन उस समय हुआ। फ्रेंच राजाशाही कायम रखी जाए या उसको डिसॉल्व किया जाए, वहाँ पार्लियामेंट को असेंबली कहते हैं,
तो फ्रेंच असेंबली के सामने जब सवाल आया, हाउस वॉज इक्वली डिवाइडेड, वन एक्स्ट्रा वोट के कारण डिसोल्यूशन का प्रस्ताव पारित हुआ। अमेरिका में 1870 में जेफरसन का जो चुनाव हुआ बाय वन एक्स्ट्रा वोट, जेफरसन तो बड़े श्रेष्ठ पुरुष हो गए, सबने नाम सुना है, बट ही वॉज इलेक्टेड बाय वन एक्स्ट्रा वोट। वैसे जिस समय जर्मन फौज सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय पेरिस कैप्चर कर चुकी थी, बोर्डो में फ्रांस की पार्लियामेंट बैठ रही थी, उस समय क्या फ्रेंच रिपब्लिक को डिसॉल्व करना चाहिए, यह पार्लियामेंट के सामने सवाल आया। हाउस वॉज इक्वली डिवाइडेड और बाय वन एक्स्ट्रा वोट इट वॉज डिसाइडेड दैट फ्रेंच रिपब्लिक शुड बी डिसॉल्व्ड। माने इतने मोमेंटस डिसीजंस, ऑलिवर का आना, चार्ल्स की सजा और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद 14वां लुई, उसको भी अरेस्ट किया गया था, जेल में रखा गया था, वहाँ भी चर्चा शुरू थी, क्या इसको फांसी की सजा दी जाए या जेल में रखा जाए, जनता में दोनों प्रवाह थे। वो फ्रेंच असेंबली के सामने सवाल आया और आपको आश्चर्य होगा कि हाउस वॉज इक्वली डिवाइडेड बाय जस्ट वन एक्स्ट्रा वोट लुई द 14th वॉज एग्जीक्यूटेड। ये जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी का जो है वो क्या होता है समझने की आवश्यकता है। तो इन सब बातों के बारे में कुछ मौलिक विचार की आवश्यकता है और यह मौलिक विचार अपने भारतीय पृष्ठभूमि पर होनी चाहिए। केवल पश्चिम से लेने से कोई फायदा नहीं होगा, भारतीय पृष्ठभूमि पर होनी चाहिए। बहुत इंग्लिश एजुकेटेड लोगों को पता नहीं कि हमारे यहाँ भी कुछ सिस्टम्स थे, हमारे यहाँ तरह तरह के फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट थे, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स हमारे यहाँ हो चुके थे, अलग अलग पीरियड में अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए, इतनी बात नहीं, तो एक ही पीरियड में अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग रीजन्स में चलते थे। अपने मंत्र पुष्पांजलि में जो आता है, ओम स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमैष्ठ्यम राज्यम महाराज्यम आधिपत्यम, दीज आर ऑल वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, और अलग अलग समय अलग अलग रीजन्स में ये सारे चलते थे। यहाँ तक कि आज की जो अपने यहाँ की पद्धति है वो भी वहाँ यादवों के गणराज्य में चलती थी जिसमें भगवान कृष्ण थे। और महाभारत में आप देखेंगे कि आज जो राज्यकर्ता के सामने कठिनाई आती है पार्लियामेंट में, उस तरह की कठिनाई भगवान कृष्ण के सामने भी आती थी, इसके कारण बड़े विषण हो गए थे। और फिर नारद और कृष्ण का संवाद जो महाभारत में दिया है, आपको लगेगा कि आज के राज्यकर्ता के लिए मार्गदर्शक, ऐसा नारद का जो कथन है वो है, ऐसा आपको लगेगा। अपने यहाँ तरह तरह के प्रयोग हुए, लेकिन एक बात थी, पश्चिम में और हमारे देश में एक बड़ा अंतर था। हमारे देश में धर्म वाज सुप्रीम, पश्चिम में धर्म की कंसेप्ट एलियन है, उनको पता ही नहीं धर्म क्या है, तो इसके कारण वहाँ सुप्रीम अथॉरिटी कोई होगी तो वो राजसत्ता थी। हमारे यहाँ सुप्रीम अथॉरिटी धर्म सत्ता थी, वहाँ राजसत्ता सुप्रीम अथॉरिटी होने के कारण सारे अधिकार राजा के हाथ में, और फिर लोगों में बेचैनी अस्वस्थता, और फिर अलग अलग लोगों ने आंदोलन करते हुए सरकार से राजा से अपने अधिकार छीन लेना, यह डेमोक्रेसी का स्ट्रगल वहाँ बहुत साल तक चला। इंग्लैंड का ही उदाहरण यदि लिया जाए तो इंग्लैंड में राजसत्ता ही सुप्रीम थी। 12वें शताब्दी के अंतिम दो वर्षों में थोड़ा सा ये आवाज़ उठाया गया, वहाँ के जो सरदार लोग थे उन्होंने, कि भाई हमें भी कुछ अधिकार होना चाहिए। सबको मालूम है 1215 में मैग्ना चार्टा पर किंग जॉन ने हस्ताक्षर किया। पार्लियामेंट, यह शब्द टर्म पार्लियामेंट केम इन वो इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 13th century, किंतु पार्लियामेंट शब्द आया तो भी आज जो हम पार्लियामेंट समझते वैसा नहीं था,
इट वॉज ओनली एडवाइसरी काउंसिल। पार्लियामेंट में जिनको लेते थे वो केवल सलाहकार थे, एडवाइसरी रिकमेंडेटरी कैपेसिटी थी। उसके बाद उनका कहना है कि 1832 का जो उनका कानून हुआ, तो उनका इतिहास कहता है कि वी हैड टेकन ए लॉन्ग लीप टूवर्ड्स डेमोक्रेसी थ्रू 1832 रिफॉर्म्स। ये जो लॉन्ग लीप बताई गई उसमें कितने लोगों को मतदान का अधिकार था, आपको आश्चर्य होगा, टोटल पॉपुलेशन के केवल 10% लोगों को मतदान का अधिकार 1832 के कानून के बाद हुआ, इसको जो उन्होंने लॉन्ग लीप का। तो बाद में धीरे 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 जैसे जैसे जनता के विभिन्न सेक्शंस जागरूक होते गए, अपने अधिकारों के लिए लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते गए, वैसे वैसे अधिकार का क्षेत्र बढ़ता गया, वैसे वैसे मतदान का अधिकार बढ़ता गया। 1867 है, 1882 है, ये होने के बाद कानून फाइनली 1918 में सबको अधिकार मिला मतदान का, 1918 में। और उस समय भी महिलाओं को जो अधिकार मिला वो भी सम रिजर्वेशन मिला, माने पुरुषों को 18वें साल में, महिलाओं को 21वें साल में। तो पूछा गया लॉयड जॉर्ज को, कह रहे भाई ये फ़र्क क्यों किया, बोले नहीं नहीं महिलाओं को देना ही है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे देंगे, ये एक्सपेरिमेंट है, क्या होता है देखेंगे फिर देंगे। तो 1928-1929 का जो कानून है उसमें पुरुष और महिला दोनों को समान अधिकार 18वें साल में मिला, और फाइनली एडल्ट फ्रेंचाइज आ गया। माने लड़ाई की शुरुआत आवाज़ उठी 13वें शताब्दी के अंत में, 12वें शताब्दी के अंत में, 1215 से स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी शुरू हुआ, और 1928-1929 में यह स्ट्रगल पूरा हुआ। माने इतना जो लंबा पीरियड है 13वें शताब्दी से लेकर 20वें शताब्दी तक, ये जो 700 साल का पीरियड है, तो आज वहाँ जो इंग्लैंड में सिस्टम है वो सिस्टम आने के लिए 700 साल का स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी ये करना पड़ा है। और जब स्ट्रगल होता है तो उसमें पॉलिटिकल एजुकेशन जनता का होता है, एक मानसिकता बनती है, मोल्डिंग ऑफ माइंड्स होता है। 700 साल की यह प्रक्रिया थी, 700 साल में क्या क्या मोल्डिंग हुआ होगा हम कल्पना कर सकते हैं। अब हमारे देश में क्या हुआ, हमारे देश में फॉर द फर्स्ट टाइम यह पार्लियामेंट्री सिस्टम 1920 में आई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के फलस्वरूप 1920 में पहले चुनाव हुए, द्विदल राज्य पद्धति उसमें थी। उस समय हिंदुस्तान की जनसंख्या 24 करोड़ थी, और मतदान का अधिकार कितने लोगों को मिला, तो नेशनल असेंबली के लिए 17,000 और कुछ लोगों को, और काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए 9,09,000 और कुछ लोगों को, माने दोनों मिलकर 10,00,000 से ज़्यादा नहीं। तो 1920 में जब 24 करोड़ जनसंख्या थी, 10,00,000 से कम लोगों को मताधिकार था, और 30 साल नहीं हुए तो करोड़ों लोगों को एकदम मताधिकार मिल गया। इसका मानसिक परिणाम क्या है, इम्प्लीकेशन साइकोलॉजिकल क्या है, ये आप समझ लीजिए। जैसे कोई व्यक्ति गरीबी से ऊपर आता है, झगड़ा करता है, शिक्षा लेता है, म्यूनसिपाल्टी के और डीए के नीचे पढ़ाई करता है और पैसा कमाता है, उसकी जो मानसिकता है, और उसका जो लड़का है जिसने मेहनत वगैरह कुछ नहीं की, एकदम बड़े बाप का बड़ा बेटा हो गया, सिल्वर स्पून इन माउथ, तो उसकी मानसिकता है, इसमें जैसा अंतर होता है, वैसे ही 700 साल तक जिन्होंने लोकतंत्र के लिए स्ट्रगल किया उसमें से एक मानसिकता और एक एजुकेशन पॉलिटिकल जिनका हुआ उनकी स्थिति, और 30 साल में एकदम सब लोगों को अधिकार मिला, तो उसके कारण जो गड़बड़ होना है वो स्वाभाविक है। इसमें से फिर कहना कि लालू प्रसाद यादव कैसे निर्माण हुए, ये गलत बात है। जो हुआ है इसका स्वाभाविक परिणाम है कि इसी तरह के लोग इसमें से निर्माण हो गए। और प्रमुख बात जो है कि पब्लिक एजुकेशन जब तक ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होता तब तक यही चलेगा, यही चलेगा। केवल गवर्नमेंट बदलने से काम नहीं होता, राजनीति और राष्ट्रनीति का अंतर समझ लीजिए।
बहुत लोग समझते हैं कि राजसत्ता होने से सब हो जाता है, गलत बात है। अपने यहाँ राजसत्ता के ऊपर धर्म सत्ता बताई गई, और यहाँ तक कि राजा के लिए भी नियम बताए गए। राजधर्म, हर स्मृति में राजधर्म है, और जो राजधर्म का पालन नहीं करता ऐसे राजा को हटाना चाहिए, नहीं हटता तो उसका मर्डर करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। वेनका नहुषका इसी तरह से मर्डर किया गया था, और उनके लड़कों को जब लाया गया तो उसमें शास्त्रों में आता है कि कैसे उनको कंडीशंस बताई गई थी। उसको शपथ लेना पड़ता था कि मैं मनमानी नहीं करूँगा, प्रजा कहेगी वही करूँगा, आदि आदि शास्त्रों में सारा दिया हुआ है। और यह बताने के लिए, याद दिलाने के लिए कि राजसत्ता सुप्रीम नहीं, धर्मसत्ता सुप्रीम है। तो जिस समय कोई भी राजा विश्व दिग्विजय करके आता था, जो विश्व विजय करके आता है वह तो चक्रवर्ती होगा, सम्राट होगा, उसको सम्राट घोषित करना है तो उसको विश्वजीत यज्ञ करना पड़ता था। उस विश्वजीत यज्ञ का आखिरी सेरेमनी ऐसा रहता था कि बहुत बड़ा मैदान, वहाँ हजारों लाखों की संख्या में जनता है, बड़ा राज सिंहासन वहाँ है। अभी थोड़े समय के बाद जिसको चक्रवर्ती सम्राट घोषित करना है वो राज सिंहासन पर बैठा है, उसके बगल में एक लंगोटी वाला सन्यासी हाथ में पालाश दंड लेकर खड़ा है। हजारों लोगों के सामने यह राजा घोषणा करता है, अदंडोस्मी अदंडोस्मी अदंडोस्मी, आई एम अनपनिशेबल, मुझे कोई सजा नहीं दे सकता, तीन बार घोषणा करता है अदंडोस्मी। और फिर सबके सामने ये जो लंगोटी वाला पालाश डंडा जो उसके हाथ में है, तीन बार उसके पीठ में मारता है, जिसको अब चक्रवर्ती सम्राट के नाते घोषित करना है, उसके पीठ पर तीन बार डंडा मारता है और कहता है कि धर्म दंडोसी धर्म दंडोसी धर्म दंडोसी। तो अपने यहाँ ये बात है, वहाँ वो बात नहीं थी, इसके कारण वहाँ बहुत गड़बड़ियाँ हुई। अपने यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया कि धर्म सुप्रीम है, सनातन धर्म यह सुप्रीम है। और ये कहा गया कि जो ही समाज व्यवस्था सनातन धर्म के दायरे में रहेगी उसके अंदर इंटरनल सेल्फ कॉन्ट्रेडिक्शंस अंतर विरोध कभी निर्माण नहीं होते। जो समाज व्यवस्था सनातन धर्म के दायरे के बाहर रहेगी उसमें आज नहीं कल लेकिन निश्चित रूप से अनिवार्य रूप से इंटरनल सेल्फ कॉन्ट्रेडिक्शंस निर्माण हो गए, और अपने इंटरनल सेल्फ कॉन्ट्रेडिक्शंस के बोझ के नीचे ही दबकर वो समाज व्यवस्था टूट जाएगी। आज हम देख रहे सारे जो इज़्म नए नए आए और जिन्होंने बड़ा प्रभाव हमारे लोगों पर डाला था, कैपिटलिज्म सोशलिज्म कॉम्युनिज्म, क्या हालत हो रही है। कॉम्युनिज्म टूट गया, ब्लेयर साहब ने कहा कि मैं सोशलिस्ट नहीं हूँ, हमने सोशलिज्म छोड़ दिया। और पॉल सैमसन जैसे जो प्रवक्ता है प्रमुख कैपिटलिज्म का, उन्होंने कहा कि कैपिटलिज्म तो टूटने ही वाला है। और पीटर ड्रकर जो साइंस ऑफ मैनेजमेंट के प्रमुख प्रवक्ता है, उन्होंने मुहूर्त भी बताया कि 2015 से लेकर 2020 इस पीरियड में कैपिटलिज्म पूरी तरह से टूट जाएगा, अपने को सोचना पड़ेगा कि थर्ड वे क्या होना चाहिए। अब ये सारे क्यों टूट रहे, सनातन धर्म के दायरे के बाहर के हैं, मटेरियलिज्म के आधार पर होने के कारण। तो धर्म के आधार पर हो, हमारे सौभाग्य से सनातन धर्म का मतलब ऐसा होता है, हम थोड़ा समझ ले, समझदारी के सुविधा के लिए दो हिस्सों में उसको बांटा जा सकता है। एक है, हाँ एक ही लेकिन समझने की सुविधा के लिए, उसका एक हिस्सा है यूनिवर्सल लॉज, वैश्विक नियम जो यूनिवर्सल है इटर्नल है। और दूसरा हिस्सा है कि ऐसे जो यूनिवर्सल इटर्नल लॉज है उनके प्रकाश में एवर चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर, सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर हमेशा बदलना चाहिए, क्योंकि आज एक परिस्थिति है। धर्म का मतलब ही है धारणा, व्यक्ति जीवन की धारणा व्यक्ति धर्म, समाज जीवन की धारणा समाज धर्म, विश्व जीवन की धारणा विश्व धर्म। तो समाज की धारणा, अब धारणा आज के विशेष परिस्थिति में विशेष प्रॉब्लम से कुछ नियम बनाए, जैसे जैसे समय बीतता है
समय बीतता है तो फिर परिस्थिति में अंतर आता है, प्रॉब्लम्स में अंतर आता है। कुछ प्रॉब्लम्स कालबाह्य हो जाते हैं, जो सोचे नहीं थे ऐसे नए प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, और कुछ बार कुछ ऐसा हो जाता है कि जो अच्छी पद्धति करके हमने एक परिस्थिति में बनाई थी, परिस्थिति बदल गई, प्रॉब्लम बदल गई, इसके कारण उसके दुष्परिणाम दिखाई देते हैं नई परिस्थिति में। उस समय वो अच्छी थी, परिस्थिति बदल गई तो वो दुष्परिणाम दिखाई देते हैं। जैसे टेनिसन ने कहा कि ओल्ड ऑर्डर चेंजेस यील्डिंग प्लेस टू द न्यू एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज, लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। गुड कस्टम का बैड नहीं का, लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। तो इसलिए बार बार समाज रचना में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसलिए अपने यहाँ विभिन्न स्मृतियाँ हुई, ऐसा नहीं हुआ कि एक बार समाज रचना के नियम बना दिए और कयामत के दिन तक वो चले गए, ऐसा नहीं। कई स्मृतियाँ अपने यहाँ बनती है, किंतु वह यूनिवर्सल लॉज के प्रकाश में होनी चाहिए। उदाहरण के लिए केवल बताता हूँ, नहीं तो वो स्पष्ट नहीं होगा। जैसे यूनिवर्सल लॉ है कि स्त्री पुरुष संबंधों में नीतिमत्ता होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए। नैतिकता नहीं होगी तो समाज टूट जाएगा, ये यूनिवर्सल लॉ है, अनचेंजिंग है, अपरिवर्तनीय है। लेकिन स्त्री पुरुष संबंध का फॉर्मल स्वरूप क्या हो, ये चेंजिंग रहेगा, परिस्थिति के अनुसार चेंजिंग रहेगा। उदाहरण के लिए एक ही फैक्टर यदि लेना है, इसमें बहुत फैक्टर्स है लेकिन एक ही फैक्टर लेना है कि समाज में 60% मेल्स और 40% फीमेल्स है, तो 60% मेल्स है 40% फीमेल्स है, तो मेल एंड 60% महिलाएं यदि हो गई तो द्विभार्य प्रतिबंधक कानून नैतिकता के लिए बाधक होगा, उसको रियलाइज करना पड़ेगा, रिपील करना पड़ेगा, माने चेंज करना पड़ेगा। किंतु जो यूनिवर्सल लॉ है कि नैतिकता, उसी के प्रकाश में स्त्री पुरुष संबंधों के विषय में जो कानून और रचना है वो बदलना, ये धर्म का स्वरूप है। यूनिवर्सल लॉज इन देयर लाइट एवर चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर। तो ये जो धर्म है वह सुप्रीम है, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज के बदली हुई परिस्थिति में सनातन धर्म का युगानुकूल स्वरूप क्या हो, यह अपने पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने इंटीग्रल ह्यूमानिज्म, एकात्म मानव दर्शन, इस रूप में हमारे सामने रखा है। एकात्म मानव दर्शन यह सनातन धर्म का युगानुकूल आविष्कार है, यह युग धर्म है। एक ही बात के राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के विषय में आज जो लोग सोचते हैं ना, पॉलिटिकल पावर जब रहती है तो बड़ा ग्लैमर रहता है, बहुत ग्लैमर रहता है, लगता है कि बस पॉलिटिकल पावर जिनके हाथ में वो सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो अपने यहाँ कहा गया है कि चार बातें ऐसी है कि आगमे सुखम आयांति, निर्गमे प्राण संकटम। जब आता है तो बड़ा सुख लगता है, जाता है तो बड़ा दुख होता है। और उसमें बताया गया है कि अधिकारंच गर्भंच ऋणंच, चौथा शब्द मैं यहाँ उच्चारण नहीं करता, अधिकार है, गर्भ है, कर्जा है, ये ऐसी बातें हैं। आते समय सुख लगता है, जाते समय दुख होता है। और हमने किसी समय जिनका नाम सारे हिंदुस्तान में एक टेरर था, ऐसे पुराने मिनिस्टर लोगों को मुंह छिपा कर जाते हुए भी देखा है। तो ये सत्ता आती है उस समय बहुत ग्लैमर रहता है, सत्ता जाती है कोई पूछता नहीं। इसीलिए जैसा टेनिसन के ब्रुक में कहा गया है, वो ब्रुक माने निर्जर, वो निर्जर कहता है कि मेन में कम एंड मेन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, कि मेरे दोनों किनारे से लोगों का आना जाना चलता है लेकिन मैं अखंड बहते रहता हूँ। वैसे ही हम कहते हैं कि द गवर्नमेंट्स में कम एंड द गवर्नमेंट्स में गो बट द हिंदू नेशन गोज ऑन फॉर एवर। गवर्नमेंट कितनी आई कितनी गई, जिस समय आती है तो बड़ा ग्लैमर रहता है, चली जाती है तो कोई पूछता नहीं। उमर खयाम ने यह कहा है कि सी इन दिस बैटर्ड कैरावान सराय हुज पोर्टल्स आर ऑल्टरनेट नाइट एंड डे, हाउ सुल्तान आफ्टर सुल्तान विथ हिज पॉम्प एवर्ड इज अवर और टू एंड वेंट इज। हमारे देश ने और दुनिया में कितने ही सुल्तान देखे, सारे आए और चले गए, राष्ट्र अखंड चलने वाली बात है।
तो ये राष्ट्र निर्माण कैसे होता है इसके विषय में हमारे यहाँ मौलिक चिंतन किया गया और उसमें कहा गया कि उसका आधार है जन चेतना, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ ए कॉमन मैन, जन चेतना। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ ए कॉमन मैन यदि ठीक है तो राष्ट्र खड़ा रहेगा, माने राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत सभी नागरिक होना। और फिर ऐसे जो राष्ट्रीय चेतना युक्त नागरिक है उनके स्वायत्त स्वयं शासित जन संगठन खड़े होना, मास ऑर्गेनाइजेशन, स्वायत्त ऑटोनोमस स्वयं शासित सेल्फ गवर्न जन संगठन, किसी सरकार के या पॉलिटिकल पार्टी के अंडर नहीं, उनके विंग के रूप में नहीं, स्वायत्त स्वयं शासित। और ये दो बातें जब खड़ी होती है तो उसमें से तीसरी बात निकलती है समाज का नैतिक नेतृत्व, मॉरल लीडरशिप ऑफ द सोसाइटी। आप कहेंगे क्या आज समाज में मॉरल लीडर नहीं है क्या? मॉरल लीडर है, लेकिन मॉरल लीडरशिप यह जो सामूहिक शक्ति है वो आज नहीं है। मॉरल लीडर्स है किंतु उनकी स्थिति क्या है? सामूहिक शक्ति न होने के कारण सब जानते हैं कि 1947 में जो स्वराज्य मिला गांधी जी उसके प्रेरक थे, किंतु लुई फिशर ने अपने इसमें लिखा है कि मैं गांधी जी के साथ मुलाकात के लिए जाता था, गांधी जी आंसू बहाते थे कि कल तक जो मेरे शिष्य थे आज मिनिस्टर्स बन गए, बड़े बड़े मसले में मेरी सलाह लेने के लिए भी नहीं आते, इसलिए कि मेरी सलाह यदि उनके लिए अनुकूल नहीं रही तो उनकी मुश्किल हो जाएगी, तो मुझे न पूछते हुए सारे निर्णय कर रहे, इसलिए आंसू बहाते थे कहा। और 1977 का चुनाव जो जीता गया वो किसी पार्टी ने नहीं जीता, किसी लीडर ने नहीं जीता, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर जीता गया। लेकिन एक बार मिनिस्ट्री फॉर्म होने के बाद बूढ़े आदमी पटना में अपने आश्रम में और बिल्कुल मृत्युशैया पर थे, किंतु दिल्ली में सारे मिनिस्टर जो इनके कृपा से मिनिस्टर बने थे इतने बिजी थे अपने काम में कि बूढ़े आदमी की हालत कैसे देखने के लिए पटना जाने की किसको फुर्सत नहीं हुई। तो इंडिविजुअल मॉरल लीडर्स होना अलग बात है, मॉरल लीडरशिप यानी सामूहिक मॉरल लीडर्स की एक शक्ति। तो ये जो मॉरल लीडरशिप है सामूहिक शक्ति वो तभी निर्माण हो सकती है जब जन चेतना का स्तर नीचे अच्छा रहेगा, उसके फलस्वरूप स्वायत्त स्वयं शासित जन संगठन खड़े हो गए, उसके कारण यह मॉरल लीडरशिप धर्म दंड उसके कारण खड़ा होगा। और राजसत्ता क्या है? राजसत्ता हाथी है, बहुत बलवान है कि नहीं है? हाथी बहुत बलवान है, लेकिन मानो कि हाथी हमारे जंगल में और आपके बगीचे में घूम रहा है, तो हमने क्या हाथ पर हाथ रखकर भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान हाथी साहब का मूड अच्छा रखो, नहीं तो हमारा जंगल उध्वस्त हो जाएगा, इनका बगीचा उध्वस्त हो जाएगा, केवल भगवान से प्रार्थना करना इतना ही अपना काम है क्या? नहीं। तो हाथी जब तक अच्छा काम कर रहा है उसके साथ सहयोग करना, लेकिन गड़बड़ करेगा तो उसका नियंत्रण करना, इसकी भी व्यवस्था करनी पड़ती है। और इसलिए अपने यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि हाथी के गंडस्थल पर महावत बैठता है, उसके हाथ में अंकुश रहता है। हाथी जब तक ठीक ढंग से काम करता है वो अंकुश नहीं दबाता, हाथी जब अनियंत्रित गड़बड़ करने लगता है तो गंडस्थल पर बैठा हुआ यह महावत अंकुश दबाता है, जैसे अंकुश दबाता है वैसे ची 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 करते हुए हाथी नीचे बैठता है, नियंत्रण में आ जाता है। तो समाज का नैतिक नेतृत्व धर्मदंड मॉरल लीडरशिप ये हाथी के गंडस्थल पर होनी चाहिए। और ये जो जन संगठन है स्वायत्त स्वयं शासित ये उनके हाथ में अंकुश का काम करते हैं। हाथी जब तक ठीक ढंग से काम करता है सब हाथी के साथ सहयोग करते हैं, हाथी गड़बड़ करता है तो ये जो महावत बैठे हैं मॉरल लीडर्स ऑफ द सोसाइटी लीडरशिप ऑफ द सोसाइटी इनके हाथ में जो जन संगठन का अंकुश है वह दबाकर राजसत्ता को ठीक रास्ते पर लाते हैं। और इसलिए ये सोचना कि केवल राजसत्ता के भरोसे होगा गलत बात है, धर्म दंड होगा तो राजदंड ठीक ढंग से चलेगा। इसलिए हमेशा हमारे आपसी जब चर्चा चलती है तो हम बोलते हैं कि भाई यहाँ जन चेतना स्पष्ट रूप से कहने में हमें आपत्ति नहीं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम की जो चीज है वही जन चेतना का एक प्रत्यक्ष निकष है। तो हम ये कहते हैं कि संघ की शक्ति धरती पर यदि है
माने जनचेतना का स्तर यदि ऊंचा है तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने, नक्सलवादी भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, किंतु धरती पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शक्ति है वो जाएगा कहाँ। कोई भी नेशनल पॉलिसी यदि तय करनी है तो उसको जबरदस्ती से संघ के कार्यालय में आना पड़ेगा। लेकिन हम दूसरी बात बोलते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शक्ति यदि धरती पर नहीं है और मैं प्राइम मिनिस्टर बनता हूँ, डीबी ठेंगड़ी जो यहाँ भाषण दे रहा हूँ धर्म के बारे में, मैं प्राइम मिनिस्टर बनता हूँ, तो जो कहा गया कि पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तो मैं आश्वासन पूर्वक कहता हूँ कि मैं डीबी ठेंगड़ी अवश्य भ्रष्टाचार करूँगा, जो आपके धर्म के सिद्धांत है उसके खिलाफ मैं व्यवहार करूँगा, आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते क्योंकि आपकी ताकत नहीं है। तो वास्तव में गारंटी कि राष्ट्र ठीक ढंग से चलेगा यह राजसत्ता में नहीं है, राजसत्ता पर अंकुश के नाते जो है और इस दृष्टि से जनचेतना यह राष्ट्र निर्माण का आधार है। इससे जनचेतना का निर्माण करने के दृष्टि से आपका यह जनचेतना मंच काम कर रहा, यह बहुत ही स्पृहणीय काम है, अभिनंदनीय कार्य है। इस दृष्टि से यह जो जनचेतना मंच है उसके सभी कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूँ और आप सभी को प्रार्थना करता हूँ कि यह मंच अधिकाधिक यशस्वी ढंग से काम करे, इसलिए आप सब इसके साथ सहयोग करें। इस प्रार्थना के साथ मैं मेरा भाषण पूरा करता हूँ कि ये रियलाइजेशन आपको है, यही मार्ग है, इसी में से रास्ता निकलेगा। माफ़ करेंगे, हमारी ज़रा दृष्टि ज़रा ये है। दूसरा प्रश्न है, ब्रिटिश शासन द्वारा निर्मित संविधान कानून को भारत के नागरिक शिक्षा का स्तर न्यून होने से आत्मसात नहीं कर पाते, ब्रिटिश कानून हमारे भारत के लिए उपयोगी साबित नहीं हुए, ये तो विचार आपका है। और मैं उनका विचार यह प्रश्नकर्ता का, इसके कुछ कारण हैं, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ, ब्रिटिश कानून से विघटन को वर्ण किया, लेकिन हम नागरिक एवं प्रशासनिक मशीनरी ही कानून के प्रति पूर्ण रूप से जानकार नहीं है, इसलिए राष्ट्र विरोध में और अन्य विकसित राष्ट्रों से पीछे। ऐसा है, प्रमुख कारण के रूप में हमने बताया, उन्होंने कहा कि और भी कुछ कारण है, हो सकते हैं ना, मैंने ये नहीं कहा कि एकमात्र कारण है, प्रमुख कारण है इतना ही, और भी 10 कारण है बता सकते हैं। और कोई आ रहा है? ऐसा है, निराशा के प्रसंग आते ही है, आने ही चाहिए। आपका काम यदि छोटा है तो इसमें निराशा के प्रसंग नहीं आएंगे, बड़ा काम है तो बड़ा काम करने में बहुत कठिनाई आती है। किंतु एक ने ऐसा कहा है कि देर इज नथिंग लाइक फेल्योर, देर इज ओनली इनकम्प्लीट सक्सेस। फेल्योर नाम की कोई चीज नहीं है, सक्सेस कंप्लीट नहीं है, यही है। और जब तक कंप्लीट सक्सेस नहीं आता तब तक काम करते ही रहेंगे, ऐसा यदि आपने तय किया तो फिर फेल्योर का कोई सवाल नहीं होता। गड़बड़ क्या होती है कि जब सक्सेस नहीं ऐसा दिखा तो आप रास्ते में काम छोड़ देते हैं। तो ये कहावत है कि दी क्विटर्स आर नॉट विनर्स, क्विटर्स यानी जो छोड़ देते हैं काम बीच में, दी क्विटर्स आर नॉट विनर्स एंड दी विनर्स आर नॉट क्विटर्स। जो बीच में काम छोड़ते हैं वो कभी जीत नहीं सकते, और जिन्होंने जीत लिया है वो क्विटर नहीं थे, काम छोड़ने वाले नहीं थे। तो जब तक यश प्राप्त नहीं होता तब तक मैं काम करूँगा, ये भावना चाहिए। मुझे एक घटना स्मरण आती है, प्रथम महायुद्ध के समय फ्रांस ऐश आरामी लोगों का राष्ट्र है, हमेशा अनप्रिपेयर रहता है, तो जर्मन सेना एकदम फ्रांस में आ गए, पेरिस जीत लिया। तो उस समय एडजुटेंट फॉक, तो पेरिस के पास जब सेना आ गई तो उनके सर सेनापति कमांडर इन चीफ जनरल जॉफ्रे, इन्होंने अपने टेंट में अपने 20 एडजुटेंट्स को बुलाया, उसमें ये एडजुटेंट फॉक था। उनको कहा कि अरे भाई, पेरिस यदि जर्मन के हाथ में जाता है, अभी तक पेरिस किसी के हाथ में नहीं गया था, तो पेरिस यदि जर्मन के हाथ में जाता है तो हमारी तो नाक कट जाएगी, तो कुछ भी करो लेकिन अब काउंटर ऑफेंसिव शुरू करो।
तो उन दिनों में फ्रांस के सेना की डिप्लॉयमेंट ऐसी थी कि तीन प्लैंक्स थी, एक सेंट्रल प्लैंक, एक डायगोनल लेफ्ट प्लैंक, एक डायगोनल राइट प्लैंक, तीन प्लैंक में सेना की रचना थी। तो वो अपने काउंटर ऑफेंसिव शुरू करना चाहिए और 48 घंटे के अंदर मुझे वायर आनी चाहिए आपके कि आपने काउंटर ऑफेंसिव शुरू किया, ऐसा बोलकर 20 एडजुटेंट्स को उन्होंने भेज दिया। 19 एडजुटेंट्स ने कुछ वायर वगैरह नहीं की, एक एडजुटेंट की वायर है जो एडजुटेंट फॉक था, उनकी जो वायर है वो यूरोप के सैनिक के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखी गई है। वायर में वाक्य ऐसे थे, तीन प्लैंक्स थी, वो कहते हैं, पहला वाक्य था माय राइट रिसीड्स, माने मेरी जो दाहिनी प्लैंक है वो पीछे हट रही है, माय राइट रिसीड्स, माय सेंटर गिव्स वे, जो मध्य की प्लैंक है वो टूट गई है। तीसरा वाक्य था सिचुएशन इज एक्सलेंट, परिस्थिति बहुत अच्छी है, आई शैल अटैक, मैं अब हमला करने वाला हूँ, माने तीन ही प्लैंक है, उसमें से माय राइट रिसीड्स दाहिने हाथ के पीछे हट रही, माय सेंटर गिव्स वे बीच में की टूट गई, और ये भला आदमी कहता है कि सिचुएशन इज एक्सलेंट आई शैल अटैक। जब लड़ाई जीत ली उस समय ये मार्शल बनाया गया था, और जो अलाइड आर्मीज की ही वाज चीफ इन काउंसिल, वो जब वापस आया पेरिस में उसका बड़ा स्वागत हुआ, और फिर करेस्पॉन्डेंट्स ने उनको घेर लिया। उन्होंने कहा कि एक बताइए, आप 20 एडजुटेंट्स थे, उसमें से 19 हार गए, आप जीत गए, तो आपके अंदर क्या कोई विशेष स्पेशल क्वालिफिकेशन था जो बाकी लोगों में नहीं था? तो उन्होंने, वो सैनिक थे ना, ही वॉज नॉट ए पॉलिटिशियन, इसलिए झूठ बोलना उनके लिए संभव नहीं था। तो सैनिक होने के कारण उन्होंने थोड़ा सोचा, बोले कि बाकी जो 19 मेरे कलीग्स थे उनके तुलना में कोई मेरे अंदर स्पेशल क्वालिटी तो नहीं थी, ऑन द कॉन्ट्री मुझे यह स्मरण है कि उसमें से 2-3 लोग मिलिट्री साइंस मेरे से भी अच्छा जानते थे। तो दूसरे करेस्पॉन्डेंट ने पूछा कि ऐसा यदि है तो ये कैसे हुआ कि वो हार गए आप जीत गए? फिर से ये सिपाही थोड़ा सोच कर बोलता है, इट इज सो सिंपल, आई वॉज सिंपली डिटरमिंड नॉट टू बी डिफीटेड, मैंने निश्चय किया था कि पराजय लेना ही नहीं, इसलिए मैं विजयी हो गया। ये जो बिल्कुल माने सरल भाव से बोला, पॉलिटिशियन न होने के कारण कुटिलता से बोलना उनके लिए संभव नहीं था, सरल भाव से बोला, बिकॉज आई वॉज सिंपली डिटरमिंड नॉट टू बी डिफीटेड, मैंने तय किया था कि पराजय लेना ही नहीं, इसलिए यशस्वी हो गया। तो जिनके मन में विजय होते तक हम काम करते ही रहेंगे ऐसा दृढ़ विश्वास रहेगा, वो विजय होकर ही रहेंगे। बहुत से लोगों में और भी जिज्ञासा होगी और कुछ प्रश्न भी आए, लेकिन समय की और इस अवधि को ध्यान में रखते हुए फिर भी उनके मन में कोई शंका है तो यहाँ से चलने के पश्चात अभी जो जलपान करेंगे तो शायद मेरे समझ में आपसे चर्चा भी कर सकते हैं। एक मिनट पास में, हाँ ये आपके, ऐसा है मैं भी सोच रहा था, सज्जनता के नाते आप सब लोग बैठे हैं, इतने लंबी देर तक बैठना बड़ा कठिन है। साइकोलॉजी का कहना है कि अटेंशन स्पैन हर एक का कुछ सीमित रहता है, और दूसरी बात है जैसे ही अपना सेशन लंबा होता गया तो मुझे एक स्मरण हुआ, मैं कॉलेज में था उस समय एक पुस्तक बहुत चलती थी, आपने नाम सुना है, देखी भी है, डेल कार्नेजी की किताब थी, उसका टाइटल था हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, माने मित्र कैसे निर्माण करना और लोगों को प्रभावित कैसे करना। तो मैं कॉलेज में था उस समय, ये बहुत प्रचलित थी, आज भी मिलती है रेलवे स्टॉल पर, लेकिन बहुत प्रचलित थी। तो हमारे एक इंग्लिश प्रोफेसर थे, उनको ईर्ष्या हुई, वो भी अच्छे लेखक थे, उनको लगा कि ये कौन है डेल कार्नेगी, इसने किताब लिखी और एकदम इतनी पॉपुलर हो गई, अब मैं भी दूसरी किताब इसके बिल्कुल उल्टी लिखूंगा। तो उन्होंने लिखना शुरू किया, टाइटल थी हाउ टू क्रिएट एनिमीज एंड एंटेगोनाइज द पीपल, माने दुश्मन कैसे पैदा करना और लोगों में अप्रियता कैसे संपादन करना। उन्होंने दो चैप्टर लिखे, उसके बाद उनकी मृत्यु हुई, इसलिए वो किताब पूरी नहीं हुई, वो प्रकाशित नहीं हुई,
लेकिन हम उनके स्टूडेंट्स होने के कारण वो जो उन्होंने लिखा वो हमने पढ़ा। तो उसमें लोगों को दुश्मन बनाने का सबसे प्रभावी उपाय ये बताया था कि सुबह ब्रेकफास्ट के समय, दोपहर में लंच के समय, आफ्टरनून टी के समय और रात के डिनर के समय लंबा भाषण शुरू करना यह दुश्मन पैदा करने का सबसे प्रभावी मार्ग है, ऐसा उसने लिखा था।